फ्रेंड्स, हिंदी सिनेमा के लगभग 107 यानी 107 वर्ष के इतिहास में कई टैलेंटेड व्यक्तियों का योगदान, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, लेखक, संगीतकार, गायक और पर्दे के पीछे कई तकनीशियनों आदि के रूप में हुआ है। ये सभी भारत के अलग अलग राज्यों से मुंबई आए और इन्होंने एक से एक बढ़कर फिल्में बनाकर भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के करोड़ों लोगों का मनोरंजन किया है और कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ज़्यादातर फिल्मों की कहानी का बड़ा हिस्सा हीरो और हीरोइन के प्रेम और रोमांस के बारे में होता है, इसलिए एक्ट्रेस का रोल भी एक्टर के बराबर अहम होता है। हिंदी फिल्मों में भी कई एक्ट्रेसेज ने बहुत दमदार रोल किए हैं और इन सभी एक्ट्रेसेज ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों से आकर हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। मसलन पूर्व से बंगाली फिल्मों की सुपरस्टार सुचित्रा सेन से कोंकणा सेन तक, पश्चिम में गुजरात से निरूपा रॉय से प्राची देसाई तक, उत्तर में कश्मीर से प्रिया राजवंश से जायरा वसीम तक और दक्षिण में वैजयंती माला से दीपिका पादुकोण तक कई एक्ट्रेसेस ने हिंदी फिल्मों में अभिनय करके कई यादगार फिल्में दी हैं। ये नाम सिर्फ उदाहरण के लिए हैं, कई एक्ट्रेसेस इनसे पहले और इनके बाद भी आई हैं। फ्रेंड्स, ये सभी जानते हैं कि कई साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस जब हिंदी फिल्मों में आईं तो यहाँ भी उन्होंने अपने टैलेंट के बल पर सुपरस्टार का दर्जा हासिल किया, जैसे वैजयंती माला, श्रीदेवी, जयाप्रदा, हेमा मालिनी तथा और भी कई नाम हैं। फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ हम साउथ इंडिया से हिंदी फिल्मों में काम करने वाली कई उन एक्ट्रेसेस में से कुछ एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम तो किया परंतु उनको हिंदी फिल्मों की दूसरी एक्ट्रेसेस के बराबर शोहरत और पहचान नहीं मिली और उन्होंने हिंदी फिल्म में काम छोड़ दिया। आज के दौर के हिंदी फिल्म दर्शकों द्वारा या तो वे भुलाई जा चुकी हैं या उनके नाम और उनकी फिल्मों को भी शायद ही कोई जानता हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो हिंदी सिनेमा प्रेमियों के लिए खास तौर पर बनाया गया है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में थिंक हाइक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, एक और फ्रेंडली मशवरा है कि आप इस वीडियो में हर एक्ट्रेस के बारे में वो पार्ट ज़रूर देखें जिसमें कहा है कि उस एक्ट्रेस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। इसमें वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग बातें बताई गई हैं। तो चलिए आपको हिंदी फिल्मों में काम करने वाली कुछ साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस के बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स, ये एक लंबा टॉपिक है इसलिए सब एक वीडियो में कवर नहीं किया है बल्कि इस टॉपिक के वीडियो कुछ पार्ट्स में बनेंगे जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और एंड कार्ड्स पर भी दिए जाएंगे। एक्ट्रेस नंबर वन है रम्या कृष्णन। साल 1970 में रम्या का तमिलनाडु में जन्म। 1984 से 2019 तक 36 यानी 36 वर्षों में तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में 260 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और अभी भी करती हैं। कई साउथ इंडियन टीवी सीरियल्स की एक्ट्रेस, टीवी प्रोग्राम की जज या होस्ट है। रम्या कृष्णन की हिंदी फिल्में। रम्या कृष्णन ने 11 यानी 11 हिंदी फिल्मों में काम किया है। पहली हिंदी फिल्म 1988 में बनी दयावान में एक आइटम डांस किया। 1993 में दो फिल्में परंपरा और खलनायक। 1995 में क्रिमिनल। 1996 में चाहत। 1998 में वजूद और बड़े मियां छोटे मियां में सेकंड लीड हीरोइन का रोल किया। 1997 में बनारसी बाबू में गोविंदा तथा लोहा और शपथ में मिथुन चक्रवर्ती के साथ लीड हीरोइन का रोल किया। रम्या कृष्णन की ज़्यादा हिंदी फिल्में न होने के कारण। पहला कारण, रम्या ने 3 फिल्मों में लीड हीरोइन, 6 फिल्मों में सेकंड लीड हीरोइन, 1 फिल्म में एक आइटम डांस किया परंतु ये फिल्में एक्शन और हीरो बेस्ड थी, इनमें हीरोइन के रोल को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। 11 यानी 11 फिल्में करने के बाद भी हिंदी फिल्मों में कोई अहम जगह न बन पाना रम्या के लिए एक पुख्ता वजह बनी हिंदी फिल्मों में और काम न करने की, इसलिए 1998 के बाद हिंदी फिल्मों में काम नहीं किया। दूसरा कारण, साउथ इंडियन फिल्मों के लिए फिल्म फेयर तथा राज्य या फिल्म संबंधी संगठनों द्वारा बेस्ट एक्ट्रेस अथवा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड की 17 यानी 17 बार विजेता और
बार है यानी 12 बार नॉमिनेशन रम्या के टैलेंट और सुपरस्टार होने के सबूत हैं। हिंदी फिल्मों में रम्या को अच्छी फिल्में नहीं मिली जिनमें वो अपने एक्टिंग टैलेंट को दिखा सकती, जैसे कि साउथ इंडियन फिल्मों में उन्होंने दिखाया है। तीसरा कारण, कुछ दिन पहले रम्या ने एक दैनिक अखबार को दिए इंटरव्यू में बताया कि बॉलीवुड में अपने शुरू के दौर में उनका करियर सफल नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादातर फिल्में नहीं चल पाईं, जबकि साउथ इंडियन फिल्मों में उनका करियर अच्छा चल पड़ा था। तब उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ रहकर रिस्क क्यों लूँ, क्योंकि यहाँ फ्यूचर की कोई सिक्योरिटी तो है नहीं और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि साउथ में अपने जगमगाते करियर को छोड़कर यहाँ बॉलीवुड में आकर स्ट्रगल करूँ। चौथा कारण, रम्या आजकल साउथ इंडियन फिल्मों, टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज में अभिनय, टीवी रियलिटी शोज में जज अथवा होस्टिंग आदि में बहुत व्यस्त हैं। रम्या के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पहली बात, 2015 और 2016 की साउथ इंडियन फिल्म बाहुबली में शिवगामी के रोल में और 2019 की वेब सीरीज क्वीन, जिनको हिंदी में भी डब्ड किया है, में रम्या का जबरदस्त अभिनय है। क्वीन में रम्या का किरदार साउथ इंडियन फिल्म की सुपरस्टार और 6 बार तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर रही जयललिता के जीवन से प्रेरित है। दूसरी बात, यह शायद सुपर हीरो अमिताभ बच्चन का जादू है कि 22 यानी 22 साल बाद रम्या ने अमिताभ बच्चन के साथ लीड रोल में एक हिंदी फिल्म तेरा यार हूँ मैं की है, जो शायद 2020 या 2021 में रिलीज हो सकती है। एक्ट्रेस नंबर 2 हैं माधवी। साल 1962 में माधवी का आंध्र प्रदेश में जन्म, मूल नाम विजयलक्ष्मी, 1976 से 1996 तक 21 यानी 21 वर्षों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, बंगाली और उड़िया 7 यानी 7 भाषाओं में करीब 300 यानी 300 फिल्मों में काम किया। केरल की सरकार ने साउथ की 3 यानी 3 फिल्मों के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया। 1994 में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। माधवी की हिंदी फिल्में, माधवी ने 1981 से 1994 तक 28 फिल्में की जिसमें लीड, सेकंड लीड या सपोर्टिंग रोल किए। लीड रोल में अमिताभ बच्चन के साथ गिरफ्तार 1985 और अग्निपथ 1990 में की। राजेश खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र जैसे बड़े स्टार एक्टर्स के साथ भी काम किया। माधवी की हिंदी में ज़्यादा फिल्में ना होने के कारण माधवी ने साउथ की ज़्यादातर फिल्मों में लीड रोल किए और उनकी गिनती साउथ की टॉप एक्ट्रेस में होती थी, मगर हिंदी फिल्मों में ज़्यादातर सेकंड लीड, सपोर्टिंग या गेस्ट रोल मिले जिनसे दर्शकों में कोई शोहरत और पहचान नहीं मिली, इसलिए माधवी ने हिंदी फिल्मों में काम छोड़ दिया। माधवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पहली बात, 1981 की हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए एक सुपरहिट फिल्म थी। यह 1979 में बनी सुपरहिट तेलुगु फिल्म मरो चरित्र का हिंदी रीमेक थी। माधवी ने इस तेलुगु फिल्म में जो रोल किया था वही हिंदी की फिल्म एक दूजे के लिए में भी किया। यह माधवी की पहली हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए माधवी का फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेशन हुआ था। दूसरी बात, माधवी ने फिल्मों में सीरियस और ग्लैमरस दोनों तरह के रोल में बेहतरीन एक्टिंग की है। तीसरी बात, माधवी ने 17 यानी 17 वर्ष तक 7 भारतीय भाषाओं की फिल्मों में काम किया और 1996 में फिल्में छोड़कर शादी करके अमेरिका में अपने परिवार के साथ रहती हैं। चौथी बात, माधवी की शादी उनके स्पिरिचुअल गुरु स्वामी रामा ने अपने अमेरिकी शिष्य रॉल्फ शर्मा से कराई थी। एक्ट्रेस नंबर 3 हैं राधिका। साल 1962 में राधिका का श्रीलंका में जन्म, मूल नाम आर राधिका, 1978 से 2014 तक 37 यानी 37 वर्षों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में 300 यानी 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और अभी भी करती हैं। साउथ इंडियन टीवी सीरियल्स की प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्ट्रेस हैं। राधिका की हिंदी फिल्में, राधिका की 10 यानी 10 हिंदी फिल्में हैं। पहली फिल्म 1986 में बनी नसीब अपना अपना एक हिट तमिल फिल्म का रीमेक थी। दूसरी फिल्म असली नकली भी 1986 में बनी थी। इन दोनों फिल्मों में राधिका लीड रोल में है और दोनों फिल्में सफल रही थी। बाकी 8 फिल्मों में सेकंड लीड या सपोर्टिंग रोल किए हैं। आखिरी फिल्म 1999 में बनी लाल बादशाह थी जिसमें राधिका का सपोर्टिंग रोल था। राधिका की ज़्यादा हिंदी फिल्में ना होने के कारण, पहला कारण
पहली हिंदी फिल्म नसीब अपना अपना में राधिका का बहुत अहम रोल है। दरअसल फिल्म राधिका के किरदार की ही कहानी है। राधिका ने दमदार एक्टिंग की है, परंतु फिल्म में एक और हीरोइन फरहा नाज है, जिसका रोल भी बहुत अहम है और राधिका के रोल जितना ही बड़ा है। फिल्म में लीड हीरो का रोल उस समय के टॉप के हीरो ऋषि कपूर ने किया है, अतः फिल्म की सफलता का कारण तीनों कलाकारों को माना गया। इसी तरह दूसरी फिल्म असली नकली में भी एक और हीरोइन अनीता राज है, जिसका रोल भी राधिका के रोल के बराबर है। इसमें सुपर हीरो रजनीकांत और टॉप के एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा लीड रोल में है और फिल्म के हिट होने का क्रेडिट भी इन दोनों हीरो को दिया गया। 8 साल से साउथ इंडिया की फिल्मों में टॉप की हीरोइन में शुमार राधिका को इन दो हिंदी फिल्मों में सराहना न मिलने के कारण उनका हिंदी फिल्मों में काम करने का उत्साह ठंडा पड़ गया। दूसरा कारण, 1990 में बनी हिंदी फिल्म आज का अर्जुन में एक बार फिर राधिका ने अमिताभ बच्चन की बहन का सपोर्टिंग रोल किया। यह फिल्म सुपरहिट हुई। यह 1988 की एक सुपरहिट तमिल फिल्म का रीमेक है। इस फिल्म के लिए राधिका को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया, परंतु मिला नहीं। इसके बाद 1999 तक राधिका ने 7 फिल्मों में सपोर्टिंग रोल किए, जिनमें कुछ बड़े थे और कुछ छोटे। अच्छे और अहम रोल न मिलने से निराश होकर राधिका ने हिंदी फिल्मों में काम छोड़ दिया। तीसरा कारण, साउथ इंडियन फिल्मों में 4 बेस्ट एक्ट्रेस और 4 बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स, 3 स्टेट फिल्म अवार्ड्स बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, 1 नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर के लिए और 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विजेता साउथ इंडिया की 300 से भी अधिक फिल्मों में काम कर चुकी टॉप दर्जे की एक्ट्रेस राधिका के लिए साउथ में अति व्यस्तता के कारण हिंदी फिल्मों में छोटे तथा मामूली दर्जे के रोल के लिए समय और इच्छा नहीं रही। राधिका के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पहली, राधिका की माँ श्रीलंका की हैं और पिता तमिलनाडु के हैं। दूसरी, जयप्रदा द्वारा रोल को न करने पर फिल्म नसीब अपना अपना में राधिका को रोल मिला। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल थिंक हाइक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।